मैं हूँ गरिमा विक्रांत सिंह, निमकी की अनारो, और आज आपको दिखेगा कि अनारो गरिमा से कितनी अलग है। और आज का जो दिन है वो सास बहु और साजिश मेरे साथ बिताने वाला है, या ये कहूँ कि मैं उनके साथ ये दिन बिताने वाली हूँ। योगा हो गया है हमारा, मैं जितना कर पाई हूँ समय के हिसाब से। अब थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। जनरली मैं एग वाइट्स और ब्रेड खाकर ही निकलती हूँ घर से, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेते हैं तो बाद में अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता है तो भी काम चल जाता है। ये तो आपने देख लिया, ये एग वाइट है, प्रेफर वही करती हूँ क्योंकि ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह मॉर्निंग में आपके लिए, क्योंकि दिन भर इतना हेक्टिक होता है तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और ये अंजीर है, और आप इसमें देखिए इसमें वॉलनट्स भी हैं, ये बहुत हेल्दी है, बहुत मतलब बहुत हेल्दी है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ सेट पे जाने के लिए, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। तो ये मेरा हॉल है, ये आप देख रहे हैं सोफ़ा है, क्योंकि बच्चे वाला घर है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे खुर्चा बुर्चा मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे उसने मिकी माउस बनाया हुआ है मेरी बेटी ने, तो वो आप उसे रोक नहीं सकते हैं, वो कुछ भी करती है। बास्केट है मेरा, इसमें पूरा खजाना है, इसमें सारा आप देख सकते हैं क्या क्या है, मॉइस्चराइजर से लेके डियो, लोशन, पाउडर्स और कॉम, सब कुछ है, जितना हो सकता है हम इसमें डाल के भर देते हैं क्योंकि जो कहीं ना मिले वो यहाँ मिलता है। ये मेरी शू रैक है या शू अलमेरा है, इसमें बहुत बेतरतीबी से सब कुछ ठुसा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे शूज़ और वो हैं। ये मेरी शादी के समय का है और मैंने इसे आज तक रखा हुआ है, इसे बनवा के हम सुनते हैं। मेरे पापा ने मुझे दिया था और बहुत प्यार से दिया था, क्योंकि मैं म्यूज़िक की स्टूडेंट रही हूँ अपने कॉलेज टाइम में, म्यूज़िक से मैंने मास्टर्स किया है, तो उनको था कि अच्छा मेरी बेटी गाती है, तो शादी में उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए स्पेशली, तो उस समय ये एकदम नया नया आया हुआ था ये सिस्टम, तो मैंने कहा था कि पापा मुझे यही दे दीजिएगा, तो उन्होंने ये ख़रीद के मुझे दिया। ये मेरी बेटी का रूम भी बोल सकते हैं, मेरे हस्बैंड का रूम भी बोल सकते हैं, और मेरा भी रूम बोल सकते हैं। ये मेरा कलेक्शन है, किताबों का मुझे बहुत शौक़ है, पढ़ती रहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं मिस्टर योगेश विक्रांत, वो लेखक हैं, राइटर हैं, तो उनके सौजन्य से भी मुझे बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। ये मेरी हारमोनियम है, जब मैं सिक्स क्लास में थी तब
मैंने इसे ख़रीदा था, मेरी माँ ने ख़रीदा था। मैं गाती अच्छा थी तो मेरी माँ ने एडमिशन करवाया था म्यूज़िक क्लास में। मेरे जीवन के सबसे ज़रूरी हिस्से से मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये हैं मेरे पति योगेश विक्रांत, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इनकी वजह से कर रही हूँ। मुझे एक्टिंग सिखाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब ये कहूँगी कि इन्होंने ही मुझे सिखाया है। इनके डायरेक्शन में मैंने बहुत सारी प्लेज की हैं। वो जो बजा रही थी मैं बस वहीं पे मिली थी, और ये आए थे किस लिए ये खुद बताएंगे। मैं एक्चुअली थिएटर करता था उन दिनों, गाड़ी होती थी, बाइक बड़ी तेज़ी में चलाया करती थी, ऐसा लगता था कि किसी को भी ठोक देंगी रास्ते में। तो मैं अक्सर बोलता था कि इस लड़की को कोई समझाता क्यों नहीं कि बाइक इतना तेज़ नहीं चलाया करते, और मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी भर समझाना पड़ेगा कि बाइक इतनी तेज़ नहीं चलाया करते। तो वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ 96 के आखिरी महीने की बात होगी ये। और मैं बहुत बदमाश भी रही हूँ, अगर ये नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ होती। तो मेरी बहुत सारी चीज़ों में ठहराव लाने का काम विक्रांत ने किया है। ये है मेरा जीवन वेरू, ये है वेरा, ये सो रही है मैडम, दिन भर खेलती है, पढ़ती है और सोती है। वक्त बहुत कम दे पाती हूँ सच कहूँ तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना हैक्टिक शेड्यूल है। बस अभी 7 बज गए हैं और हम 5 से 10 मिनट में हम यहाँ से निकल जाएंगे, और 8:30 बजे मुझे सेट पे पहुँचना है, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना है, और हम पैकअप 9 बजे हो जाता है हमारा, ऑन टाइम हमेशा पैकअप होता है। फिर वहाँ से पैकअप के बाद जब मैं वहाँ से निकलती हूँ, आते आते मुझे 11 बज जाता है। 11 बजे के बाद, घर आने के बाद मेकअप उतारना, नहाना, सारी चीज़ें करने के बाद 12 बजे तक मैं खाली होती हूँ और फिर इनके पास आती हूँ। और वो थोड़ा सा वक्त इतना प्रीशियस होता है मेरे लिए, इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सब समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए कितना ज़रूरी है वो वक्त। छोड़ दी है तुझे बेसास आके रुके, मैं तुझे को कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना। ये मेरा बैग है जिसमें मैं एक बेडशीट, सिंगल बेडशीट है ये मेरा, ये ब्लैंकेट है क्योंकि हमारा वहाँ पे सेट पे एसी रूम होता है, बहुत ठंड हो जाती है और जो थोड़ा सा भी वक्त मिलता है तो हम सो जाते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी चीज़ें मैं सब कैरी करूँ। की शुरुआत तो 96-97 में हो गई थी, जब मैंने थिएटर शुरू किया था इलाहाबाद में ही। इलाहाबाद आकाशवाणी से जुड़ी रही हूँ मैं लगभग 3 साल, इलाहाबाद दूरदर्शन से भी जुड़ी रही हूँ। तो वो सारी यात्राएं करते हुए फिर हमने मुंबई कूच किया। मुंबई आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया था, राजकुमार संतोषी जी की फिल्म आई थी हल्ला बोल, उसमें एक बहुत छोटा सा रोल मैंने किया था।
फिर NDTV इमेजिन करके एक पहले चैनल था जो अब बंद हो चुका है, उसके लिए एक शो आता था चांद के पार चलो, वो किया मैंने, और उसके बाद एक ब्रेक लिया और मेरी बेटी आई 2009 में वेरा, और वो 11 महीने की थी तभी मुझे एक डेली शो के लिए ऑफर आया, छोटी बहू जो सीज़न 2 आया था ZTV का, उसके लिए वो मैंने किया। अब हम बन गए हैं अनारो। ये हमारा बड़का वाला हार है जो हमारी सास ने हमको दिया था जब हम ब्याह होकर आए थे घर में। आई तो मंगल सूत्र है, आप लोग जनबे करते होंगे कि क्या होता है। आई जो लंबा सा सेनूर हम लगाए हैं ना, ये तेतर सिंह के नाम का है, जिनसे हम दिन रात लड़ते रहते हैं, उनको डांटते रहते हैं, उनका बाहर जितना भी चलता हो, बाकी घर में हमरे चलता है। हाथ का रिंग, हुठलाली, आई गजरा, तो ये सब आर्टिफिशियल है, लेकिन अब ब्याह है हमरे लड़के का, तो सब तो करना ना पड़ेगा। डॉक्टर हैं, इनके पास सारी दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथिक, और एक बड़ी फेमस इनकी एक दवाई है जो हर चीज़ का इलाज है, तो कुछ भी होता है मैम वो पिला देती हैं। हाँ, दवाइयाँ मैं रखती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि जो मेरे पति देव हैं वो डॉक्टर भी हैं, तो बहुत होम्योपैथ की थोड़ी बहुत, चूँकि मैं कंपाउंडर हूँ, पत्नी कम कंपाउंडर कंपाउंडर सेट पे एक्चुअली, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन जो आप लोगों ने मेरे साथ बिताया वो आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे गरिमा अनारों में कन्वर्ट होती है। ठीक, ये है ABP News, आपको रखे आगे।